डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ एग्रीगेट फंक्शंस वर्क ऑन नल वैल्यू। मतलब हमारे पास डेटाबेस में जब हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो कई बार हमारे डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उनके अंदर वैल्यूज क्या आ जाती हैं, नल वैल्यूज आ जाती हैं। तो उनको कैसे ट्रीट करें, एग्रीगेट फंक्शंस उनको कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारे विद एग्जांपल इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और ये वीडियो गाइस इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दी है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर नल वैल्यू होती क्या है? तो नल वैल्यू इज नॉट जीरो, जीरो इज ऑल्सो अ वैल्यू, जीरो जो है वो एक वैल्यू है। तो नल का मतलब क्या है, द वैल्यू विच इज नॉट अवेलेबल, और यू कैन से वैल्यू विच डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कहने का, नॉट अवेलेबल का मतलब क्या है, ये नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, और ये वैल्यू आती क्यों है डेटाबेस में, जब हमें दिक्कत है इस वैल्यू से तो हम ये डाल क्यों रहे हैं। तो गाइस सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कई बार जैसे हम शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो शॉपिंग के बाद जब हम बिलिंग करते हैं तो वो जो बंदा बिलिंग के बैकएंड पे बैठा है वो आपसे क्या पूछता है, वो पूछता है कि सर व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, व्हाट्स योर ईमेल आईडी वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि भैया तू फटाफट से बिल कर दे, ज्यादा से ज्यादा हम उसको नंबर वगैरह दे देते हैं या लेट्स से कुछ भी। वो लोग क्या करते हैं ना, कहीं उनकी डिमांड होती है कि चलो मोबाइल नंबर मिल जाए, बाकी इंफॉर्मेशन चाहे ना मिले। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर तो उन्होंने फिल कर दिया आपसे लेके, बाकी के कॉलम्स जो थे ना, जैसे ईमेल आईडी या लेट्स से आपका नेम, वो बंदे ने बताया या नहीं बताया, उन्होंने क्या कर दिया, उसको बाय डिफॉल्ट खाली छोड़ दिया। तो ये क्या है, एक तरह से नॉट अवेलेबल वैल्यू है जो कस्टमर ने नहीं बताई। तो वो जब एंट्री को सेव करेगा तो डेटाबेस का जो टेबल होगा उस टेबल में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जहां पे डेटा आया, जो भर दिया वो तो डेटा आ गया, जो चीजें खाली छोड़ दी, एम्प्टी छोड़ दी, वहां पे क्या आ गया, नल आ गया। सो दिस इज द रीजन कि नल वैल्यू हमारे टेबल में आता क्यों है। देन अब हम बात करते हैं कि यार इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो हमारा एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से है, एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास सम, एवरेज, काउंट, मिन एंड मैक्स। तो ये कैसे वर्क करते हैं नल वैल्यू को देख के, तो मैं वो आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेट्स से मेरे पास टेबल है T1, कोई भी आप टेबल का नाम ले लो, लेट्स से T1 टेबल है, दो कॉलम्स है A और B, और ये डेटा आपको दिख रहा होगा 1 null 2 null 3 null 4 null and null null। मतलब ये डेटा मैंने डाल दिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, विद एग्जांपल बता सकूं। तो डेटा आपके सामने है, नल मतलब खाली छोड़ रखा है, कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला। तो सबसे पहले आते हैं हम काउंट के ऊपर। तो काउंट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, काउंट स्टार, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम अगर मैं लिखता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो क्या आंसर आएगा इस टेबल के अकॉर्डिंग, क्या आंसर आएगा यहां पे, 5। क्या आंसर आएगा, 5। अब आप पूछोगे सर 5 कैसे आया, एक रो तो पूरी नल है, एक रो तो ये रो है ना, ये रो तो पूरी नल है यहां पे, तो ठीक है काउंट स्टार दोनों को काउंट करके बताएगा, तो 1 नल एक रो होगी, 2 नल दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, लेकिन पांचवी रो तो दोनों ही नल नल है, बट काउंट स्टार विल काउंट इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काउंट स्टार जो है वो इसको काउंट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितनी दिखाएगा, 5। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन और ये मैंने एग्जीक्यूट करके देखा हुआ है गाइस, आप ओरेकल लाइव पे जब जाओगे, अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो उस पे कर लो, अदरवाइज आप ऑनलाइन ओरेकल लाइव पे जाके भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसका कोड जो है वो मैंने नोटपैड फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जस्ट कमांड्स को एक एक करके उठाओ, एग्जीक्यूट करो, आप चेक भी कर सकते हो खुद से। देन काउंट ऑफ ए, अब मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट काउंट ए फ्रॉम टेबल नेम, मतलब मैंने स्टार की जगह सिर्फ ए कॉलम को काउंट करना है। तो जब ए वाले इकलौते कॉलम को काउंट करेंगे तब आंसर क्या आएगा, तब आंसर आएगा आपका 4। मतलब कहने का कि जब हमने सिर्फ ए कॉलम की वैल्यूज को चेक किया कि कितनी वैल्यूज है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन नल को काउंट नहीं करेगा। तो इंडिविजुअल कॉलम में नल को काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करना। देन काउंट ऑफ बी,
पहले हमने दोनों को कलेक्टिवली काउंट किया तो 5, अकेले को काउंट किया तो 4। अब हम बात करते हैं काउंट ऑफ बी, मतलब मैंने सिर्फ बी की वैल्यूज को काउंट करना है, अकेले बी में कितनी रोज है, अकेले बी में कितनी वैल्यूज है। तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये, जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो जब आप काउंट ऑफ बी करोगे ना तो ये कोई भी वैल्यू जो है वो यहां पे नहीं उठाएगा, तो ये नल नहीं शो करेगा, ये क्या शो करेगा, 0। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, ऑल एग्रीगेट फंक्शन एक्सेप्ट काउंट स्टार इग्नोर, मतलब जो काउंट स्टार है वो इग्नोर नहीं करता बट बाकी इग्नोर करते हैं। काउंट ऑफ नल वैल्यूज डिफाइंड एज 0, जब हमने काउंट किया ना नल वैल्यूज का टोटल तो ये क्या शो करेगा, 0। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, काउंट ऑफ बी 0। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट सम ऑफ ए। अब नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ ए, तो सम ऑफ ए किया तो ए की वैल्यूज को सम करना है, टोटल करना है, तो 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10 प्लस नल, नल को ये काउंट नहीं कर रहा, तो एक तरह से इन वैल्यूज को काउंट करके आंसर क्या आया मेरा, 10। ठीक है, देन एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय काउंट, क्या होता है, सम डिवाइड बाय काउंट। तो सम क्या आया, A का सम कितना है 10 और A का काउंट कितना था 4, तो 10 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 2.5 आपका ये आंसर आ गया, सिंपल, गेटिंग द पॉइंट। देन मिनिमम ऑफ A, तो मिनिमम ऑफ A में कई बार स्टूडेंट ना लगा देते हैं नल, नल लगता है उनको जैसे 0 है, तो सबसे छोटी वैल्यू है, नहीं गाइस, नल मतलब नॉट अवेलेबल, ये वैल्यू हो सकता है सबसे बड़ी हो सबसे छोटी हो, हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए एंटायर ए कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी लेगा, 1 लेगा। ठीक है ना, नोट कर लेना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, नल। देन अगर हम बात करें यहां पे, देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मैक्स। तो मैक्स की अगर हम बात करें तो ए में मैक्स कौन सा है वो आपको क्लियर कट दिख ही रहा है, मैक्स क्या है, 4 है। देन सम ऑफ बी, एवरेज ऑफ बी, मिन ऑफ बी, अगर इस कॉलम में, इस कॉलम की सारी वैल्यूज में से हमें सम, एवरेज, मिन और मैक्स फाइंड आउट करना है, तो इन सब का एक ही आंसर है, दैट इज नल। ठीक है ना, तो ये आंसर जो है वो डायरेक्ट क्या दिखाएगा, ना। तो ये पॉइंट सारे के सारे नोट कर लेना कि सिर्फ काउंट स्टार को छोड़ के बाकी सारे इग्नोर करते हैं नल को, और काउंट ऑफ नल वैल्यू इज डिफाइंड एज 0, इट इज नॉट डिफाइंड एज नल, काउंट ऑफ ऑल द नल वैल्यू इज 0। ठीक है ना, एंड अदर फंक्शन रिटर्न्स नल, तो ये देख लो अदर फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, नल। तो इस तरीके से सारे पॉइंट सारे एस्पेक्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आपको कहीं भी पूछ ले आप फंसोगे नहीं, आप इजीली आंसर दे दोगे। थैंक यू।